नमस्कार दोस्तों, रीट शिक्षक भर्ती व रीट की तृतीय वेटिंग लिस्ट से संबंधित अपडेट निकल कर आ रही है आज पेपर में। देखिए, रीट हर साल आयोजन का प्रावधान पर 9 साल में सिर्फ 4 परीक्षा। रीट बनने के लिए 5 लाख बेरोजगारों का रीट का इंतजार। रीट को 2 साल हो गए, तब से ही 5 लाख बेरोजगार रीट के आयोजन का इंतजार कर रहे हैं। इनमें बीएड और बीएसटीसी डिग्रीधारी वे बेरोजगार शामिल हैं जिन्होंने या तो इन 2 साल में डिग्री प्राप्त की है या फिर पिछली रीट में 60% अंक प्राप्त नहीं करने के कारण अयोग्य हो गए थे। इसके अलावा तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2018 की लेवल फर्स्ट और लेवल टू में जिनका चयन नहीं हो पाया वे भी अपने प्राप्तांकों में सुधार के लिए रीट का इंतजार कर रहे हैं। पिछले दिनों रीट के आयोजन को लेकर शिक्षा विभाग में गुप्त पाठ शुरू हुई थी, लेकिन अभी मामला ठंडे बस्ते में पड़ा है। रीट के आयोजन की जिम्मेदारी सरकार ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को दे रखी है। बोर्ड के पास अभी रीट को लेकर कोई निर्देश नहीं गए हैं। तृतीय श्रेणी शिक्षक लेवल फर्स्ट व लेवल टू में शामिल होने के लिए पात्रता परीक्षा में 60% अंक प्राप्त करने अनिवार्य है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में 21,000 भर्तियों का ऐलान किया। इसमें तृतीय श्रेणी शिक्षकों के कितने पद होंगे यह अभी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया तभी शुरू हो पाएगी जब सरकार रीट का आयोजन कर लेगी। अगर रीट के आयोजन के बिना सरकार तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती का आयोजन करती है तो इन 2 सालों में बीएड या बीएसटीसी डिग्री प्राप्त करने वाले रीट की पात्रता नहीं होने के कारण भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि हमारे पास अभी रीट के कोई निर्देश नहीं है। देखिए, 9 साल में 4 ही बार रीट हुई है। इधर नीचे देखिए, दीपेंद्र शर्मा राजस्थान बेरोजगार संघ के अध्यक्ष और संदीप कल्याणिया एडवोकेट हाईकोर्ट का कहना है रीट का आयोजन जल्द हो। तृतीय श्रेणी शिक्षक लेवल फर्स्ट व लेवल सेकंड के लिए शिक्षक पात्रता जरूरी। राजस्थान में साल में 1 बार भी रीट का आयोजन सही तरीके से नहीं हो पा रहा। नीचे दीपेंद्र शर्मा कह रहे हैं बेरोजगार लंबे समय से रीट का इंतजार कर रहे हैं, सरकार को रीट के आयोजन की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। इसके अलावा देखिए दोस्तों, सीएम आवास पर बेरोजगार शिक्षकों का प्रदर्शन, ये तृतीय श्रेणी वेटिंग से संबंधित न्यूज़ है। जयपुर रोजगार के लिए सोमवार को बेरोजगारों की सरकार के घर कतार लगी। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2018 लेवल टू की एक और सूची जारी करने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में बेरोजगार सोमवार को मुख्यमंत्री आवास पहुंच गए। यहां उन्होंने सीएम आवास पर ज्ञापन देकर एक और सूची जारी करने की मांग उठाई। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष उपेन यादव का कहना है कि पिछले साल लेवल टू के 28,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी, अभी भी 3,500 पद खाली है क्योंकि एक अभ्यर्थी का 2 विषयों में चयन हो गया। अभ्यर्थियों ने एक विषय में ज्वाइन कर लिया तो दूसरे विषय में पद खाली रह गया। बेरोजगारों ने चिकित्सा मंत्री व उच्च शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपा। तो दोस्तों, ये आज की 2 बड़ी अपडेट निकल कर आ रही थी।